दोस्तों स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस व्यू जो है वो आपको मैं देने वाला हूं। तो अगर आपकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए। ये स्टॉक अभी जो न्यूज के बेसिस पे ऊपर जा रहा है, पहले फेसबुक की न्यूज आई, आज मेरे ख्याल से इनकी नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है उसके ऊपर न्यूज आई है कि ये इश्यू करने वाले और पैसा जो है वो रेज करने वाले हैं। तो स्टॉक काफी तेजी से जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए? क्या वाकई में सही लेवल है इसका बाइंग करने का या फिर ये स्टॉक नीचे आने वाला है? ऑल द लेवल ए टू जेड आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। प्लीज वॉच कंटिन्यूसली और कंप्लीटली आप लोगों को ये वीडियो को देखना है। देखिए मैं कभी बोलूंगा आपको कि यहाँ पे बाय कर लो, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो ही सही कंक्लूजन निकलता है। तो वो कंक्लूजन आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो चार्ट पैटर्न है वो वन मंथ के बेसिस के ऊपर लगाते हैं। आप लोग देखोगे ये स्टॉक तकरीबन यहां से चला था। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। यहां से ही हम इसको देखना शुरू करेंगे वन मंथ के बेसिस पे। यहां से ये चलना शुरू हुआ था तो हमको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मूविंग एवरेजेस भी होती हैं बट मैं इतना प्रेफर नहीं देता हूं उनको, वो हम बाद में देखेंगे जब वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखोगे ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा था, अभी इसने इस एक लेवल को यहाँ पे तोड़ दिया है और ये जो लेवल है तकरीबन ये वाला इसने तोड़ा है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई ये टूटने के बाद अब क्या हो सकता है, क्या इसके साथ घमासान युद्ध जो है वो देखने को मिलेगा। देखो ये वाला लेवल इसका टूट गया है तो अगली जो इसकी सपोर्ट बनती है वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी सपोर्ट तकरीबन आप लोगों की यहाँ पे, यानी कि 874 पे। बट ये हो सकता है 874 पे भी ना रुके जिस तरह से मार्केट है, तो मैक्सिमम जो आपको सपोर्ट नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ कहीं। क्यों यहाँ पे होगी ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये देखिए 779 या फिर आपको 774 यहां तक, 709 तक आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है, अभी ये नीचे आएगा और 715 734 तक आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि अभी जो नॉर्मल ट्रेडर है ना उनके मन में यही चल रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सही बड़े बड़े प्लेयर्स है ना वो स्टॉक को यहां तक लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, अब उनको जो है बगाना है, तो बगाने के लिए आपको स्टॉक यहाँ पे लेके आएंगे। देख लेना ये चीज, ध्यान में रखना, ठीक है? तो आपको ये स्टॉक तकरीबन 7723-734 के पास पहुंचेगा। क्या ये लेवल वाकई में सही है या फिर गलत है? तो इसके लिए हम कैसे इस चीज को कंफर्म करें वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ये रेड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज प्रॉपरली कन्वर्ट कंप्लीटली जो है वो देखने को मिल जाए। तो चलो इसका साइज ये मैंने बड़ा कर दिया। तो ये एक लेवल है, सपोर्ट है, जो कि मैं 707 रुपया तकरीबन यहाँ पे मानता हूँ कि इस स्टॉक को अभी आना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में आएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा फिगो लेवल के ऊपर। देखो अगर हम इसका फिगो लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये स्टॉक तकरीबन यहां से चला था और यहां तक एक एवरेज करते हैं तो तकरीबन वहां से अगर इसको हम पूरा ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये अपनी रिट्रेसमेंट जो 0.78 की है वहां तक आया था। उसके बाद ये स्टॉक जो है दोबारा से ऊपर चलना शुरू हुआ था। कहां से चलना शुरू हुआ था? यहां से, ठीक है, यहां से चलना शुरू हुआ और आपने देखा ये दोबारा नीचे आया और ये जो 0.78 ये वाली लाइन आप यहां पे देख रहे हो, ये वाली लाइन आपको यहां दिखी, ये वाली यहां, तो दोबारा से ये 0.78 के पास आया। अब ये स्टॉक जब दोबारा चला था तो ये कहां से चलना शुरू हुआ, हम यहां से देखेंगे इसको, ठीक है, तकरीबन ये यहां से चलना शुरू हुआ था। तो हम लोग इसको अगर यहां पे ड्रॉ करें तो दोस्तों आप देख लो 0.78 की रेशियो भी ये कह रही है कि ये स्टॉक को एक बार 742-738-700 के करीब जो है वो आ जाना चाहिए अगर इसने अपना प्रीवियस ट्रेंड पकड़ के रखा। तो पहला जो इसका बनता है बेस वो बनेगा आप लोगों का 700 से लेके तकरीबन 742 के बीच में, इसके अंदर आपको बाइंग जो है देखने को मिल सकती है। ये बात ध्यान रखना, मतलब 742-715-750 के बीच में कहीं कहीं आप इसको बाय करने का सोच सकते हो, लेकिन तब भी अगर ये यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करे ऐसे ट्रेड मत करना, ठीक है? तो ये पहला एक लेवल बनता है जहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि फिगो लेवल ने भी हमें ये चीज बता दी कि हाँ भैया आप लोग यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हो। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। नॉर्मल सी बात करते हैं कि ये कहां तक आ सकता है, ठीक है?
अभी अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को एक चीज मिलेगी। एक मिनट, एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये देखिए। तो अगर हम इसको यहां से ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देखोगे कि ये कहीं ना कहीं इस लाइन को फॉलो करेगा ही करेगा। हो सकता है इसको टाइम लग जाए यहां पे आने में, लेकिन ये कभी ना कभी इस लाइन के पास आने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूं कि देखो, यहां से ही ये एक बार गिरा था। अगर यहां से गिरा था तो यहीं से आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका बाउंस बैक 763 से भी हो सकता है और नियर 726 से भी हो सकता है। तो ये एक और लेवल है जो आपको यहां पे कंफर्म करता है कि ये यहां से गिरा था, यहीं से बाउंस बैक मिलेगा। रिट्रेसमेंट लेवल ये भी कहता है कि तकरीबन इसको यहां तक आना चाहिए। और ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये कहती है कि भैया ये कहीं ना कहीं 2025 तक यहां पे आ सकता है 719। तो भैया रिलायंस है, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ही आपको यहां पे देखने को मिले या फिर काफी टाइम के बाद भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देता हूं। हम दोबारा से एक लाइन जो है यहां से ड्रॉ करेंगे, कहां पे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देख लो, यहां पे इसका ये काफी टाइम एक बेस था, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक नीचे आया तो दोस्तों तकरीबन मैं यहां पे, एक मिनट, इस लाइन को मैं क्या करूंगा, वेट कीजिएगा प्लीज, मोटा कर देते हैं और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको जो है 600-598 के पास पास देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए 712 से लेके 500 यानी कि 100 रुपीस के बीच में आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, और जो आपको ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तकरीबन 739 पे मिलेगा। यानी कि ये स्टॉक 2025 में तकरीबन यहां से एक ऊपर की रैली दिखाने को सोच सकता है। ये बात ध्यान रखना, टेक्निकल एनालिसिस यही कहते हैं कि इसको 726 से ही बाउंस बैक देना चाहिए, बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार 600 के करीब जरूर आएगा, यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। जब यहाँ पे ये अपना एक एवरेज बनाएगा, यहाँ पे बाइंग होगी, उसके बाद ये ऊपर जाने को आपको मिलेगा। अभी अगर इसको कोई बाय करना चाहता है तो इसको कहां पे बाय करना चाहिए, कहां नहीं बाय करना चाहिए, तो ये लेवल भी मैं यहां पे आपको जो है बता देता हूं, ठीक है। तो इसको देखो, अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मार्केट है डाउन, ये आपको डाला जा रहा है चारा कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करो और आप लोग यहाँ पे फंस जाओ। मैक्सिमम देख लो, इस लाइन के ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम अभी ये 1400 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, आप लोग भूल जाओ। लेकिन उसके नीचे मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, स्टॉक यहां से एक रैली जो थी स्टॉक ने अपनी दिखाई थी, आपको यहां पे एक रैली देखने को मिल रही होगी जो कि 1100 की है। यानी कि यहां पे मैं एक लाइन यहां पे आपकी ड्रॉ कर देता हूं, चलिए एक मिनट वेट कीजिएगा, ये वाली लाइन अभी, यानी कि जिस लेवल पे ये है दोस्तों, स्टॉक यहीं से ऊपर की तरफ घूमा था, तो ये जो लेवल है इसका 1100 का, मेरे को नहीं लगता ये 1100 के ज्यादा ऊपर जा पाएगा। अभी अगर किसी को एंट्री लेनी है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेट करना है ये वाला ट्रेंड टूटने का, ठीक है। ये वाला ट्रेंड अभी देखो, जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, 1163 के ऊपर जाता है तब आप एक एंट्री ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ी दूर का हो जाएगा, 1013 का मैक्सिमम आपको इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही देखने को मिलेगा। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ये यहां पे आके टच करे, हो सकता है टाइम लग जाए। तो दोस्तों अभी तो इसके अंदर फिलहाल एंट्री लेना बिल्कुल नहीं बनता, आपको मैक्सिमम जो टारगेट है वो 1174 तक के मिल सकते हैं, इससे ज्यादा का टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को मैं और नीचे के लेवल बिल्कुल पास से बता देता हूं कि ये स्टॉक कैसा रिएक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। देखो, ये है इसका एक ट्रेंड जो यहां से बना है तकरीबन ये वाला, तो मेरे को लगता है कल से क्या पता इसके अंदर एक डाउन मूवमेंट आना शुरू हो जाए और आपको ये कल 1073 तक भी देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो ट्रेंड है यहां पे, ये इस तरह से नीचे की तरफ जा सकता है। अभी इसके अंदर आपको बिल्कुल भी जो एंट्री है वो नहीं लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम लोग ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या बोल रही है, तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या कहती है। वेट कीजिए, ओपन होने दीजिए, मेरा नेट 2G है तो उस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन चेन अगर रिलायंस की हम देखते हैं तो देख लीजिए रिलायंस, वेट कीजिएगा, चलिए ये है रिलायंस की। तो आप लोग यहां पे देख पाओगे कि आपको जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 558 यानी कि 1200 के करीब, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 515 का यहां पे भी है 1100, तो यानी कि कहीं ना कहीं 1100 के ऊपर जो है कॉल राइटिंग हो रही है, इसको सेल किया जा रहा है, तो आप मैक्सिमम 1100 तक लेके चल सकते हो। उसके अगर हम नीचे पुट की साइड बात करें तो आप लोग यहां पे देख पाओगे कि आपको काफी ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 1000 के करीब मिल रहा है, 572,
ठीक है, तो तकरीबन आपको नीचे 1000 का लेवल अभी देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ जो लेवल है वो दोस्तों तकरीबन आप लोगों को 1200 या फिर 1100 के ही देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेनफुल जो पॉइंट है यहाँ पे वो 1100 लेवल का है, 11 देखिए 5 और 2 7, ठीक है, तकरीबन 7.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1100 के ऊपर इसके बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि आपको ये स्टॉक देखने को मिले। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 600 के करीब। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी बाइंग करने का बिल्कुल मत सोचिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरी स्टडी कहती है कि नॉर्मल ट्रेडर्स को अभी यहाँ पे ट्रैप जो है वो बिछाया जा रहा है, आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप इसके अंदर बिल्कुल भी एंट्री ना लें, ये स्टॉक आपको काफी नीचे अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा, वही एंट्री लीजिएगा, हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। बट याद रखना, जब ये स्टॉक, मैं आपको फिर से यहाँ पे 1 मंथ के बेसिस पे बता देता हूं, जब ये स्टॉक आप लोगों को इस लेवल यानी कि 600 से लेके 700 के बीच में दिखेगा, उसके ऊपर नीचे होना शुरू कर दे, तब लोग आप लोग एंट्री लीजिएगा, जब ये 723-734 को क्रॉस कर जाए ऊपर की तरफ, फिर आपको बड़ी तेजी से ये 1100 की तरफ जाने को देखने को मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लेवल है, अभी तो इसके अंदर एंट्री नहीं है। स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको 335 या फिर ये आप 454 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, यानी कि जब इस लेवल पे आता है तो आप एंट्री ले सकते हो, तकरीबन 450 का स्टॉप लॉस डाल के 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर 1100 का तकरीबन आपको टारगेट जो है वो देखने को मिल जाएगा रिलायंस के अंदर। तो ये थे रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस, जो मेरे को लगता है मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, सिंपल आपको फिगो लेवल के ऊपर बताया, ट्रेंड के ऊपर बताया, जो मैं फॉलो करता हूं और जो मुझे लगता है। ठीक है, ये मेरी स्टडी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, आप लोगों की मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें और तभी इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। याद रखिए, ये इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तभी एंट्री लेनी है, हो सकता है ये यहाँ पे आए एकदम से नीचे टूट जाए, तो आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। जैसे ये वाली वेव बनी थी ना, ऐसी वेव जब बनना शुरू हो जाएगी ना इसके अंदर, तब आपको एंट्री लेनी है। तो अभी वेट करें, ऊपर के लेवल पे इसको खरीदने का बिल्कुल मत सोचिए, ये आपके लिए ट्रैप हो सकता है और ये स्टॉक गिरना शुरू कर सकता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही एंट्री लीजिएगा, ये मेरी स्टडी, मेरा एक्सपीरियंस, तो मेरे पे भरोसा मत करिए भैया, मैं तो पागल जन की बंदा हूं, बस अपने लेवल्स यहां पे बताता रहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।